सब्सक्राइब कीजिए वाव मॉम चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। आज हम बनाएंगे व्रत का चटपटा ढोकला। सबसे पहले मिक्सर के बर्तन में आधा कप वरे का चावल डालेंगे और आधा कप साबुदाना डालेंगे। आप चाहो तो इसे रोस्ट भी करके ले सकते हो। और अब इसे अच्छे से पीस लेंगे। इसे पीसने के बाद इस आटे को छान लेंगे ताकि अगर गलती से साबुदाना बच गया हो तो वो निकल जाए। इस आटे को मैंने बारीक सूजी जैसा थोड़ा सा दरदरा रखा है। इस आटे को पूरा छानने के बाद इसे मिक्सिंग बोल में निकालेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब मिक्सर का छोटा बर्तन लेकर उसमें 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून जीरा डाल के इसे दरदरा पीस लेंगे। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मैंने इसे दरदरा पीस लिया है और अब इसे इस आटे में डालेंगे। ये ढोकला हम थोड़ा सा खट्टा मीठा बना रहे हैं, इसीलिए इसमें 1 टीस्पून चीनी और स्वादानुसार नमक डालेंगे और फिर इसमें 1 बोल खट्टा दही डालेंगे। आप चाहो तो इसमें छाछ भी डाल सकते हो और फिर पानी स्किप भी कर सकते हो। और अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसे थोड़ा सा मिलाने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। जिस बर्तन में हरी मिर्च ग्राइंड की थी उसी में पानी लेकर इसमें पानी डालेंगे। मैं करीब 1.5 बोल पानी डाल रही हूँ और इसका गाढ़ा बैटर बनाएंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि जरा भी लंप्स ना रहे। अब ये अच्छे से मिक्स होने के बाद इसे मैं ढक के 10 मिनट के लिए रख रही हूँ ताकि जो आटा दरदरा पीसा था वो पानी एब्जॉर्ब कर ले। इस बैटर की कंसिस्टेंसी डोसा बैटर से थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। 10 मिनट बाद इसमें आलू कद्दूकस करके डालेंगे। मैंने आलू का छिलका पहले ही निकाल लिया है और मैं सिर्फ आधा आलू डाल रही हूँ। अब इस आलू को इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और सोडा डालने के बाद इसे एक ही साइड से 1 मिनट तक मिलाते रहेंगे। ध्यान रहे 1 मिनट से ज्यादा ना मिलाए। अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप ये स्किप भी कर सकते हो। अच्छे से मिक्स होके ये बैटर रेडी हो गया है। अब टिन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसे चारों तरफ लगा लेंगे ताकि ढोकला चिपके ना। आप चाहो तो इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये अच्छे से ग्रीस होने के बाद इसमें ये बैटर डालेंगे। मैंने यहाँ एल्यूमिनियम का टिन यूज किया है। आप चाहो तो स्टील का कोई भी बर्तन या फिर थाली में ये ढोकला बना सकते हो। स्टीमर में पानी डाल के उसे मैंने गरम कर लिया है और रिंग रख के उस पे मैं टिन रख रही हूँ। अब इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए ये ढोकला स्टीम करेंगे। 25 मिनट बाद ढक्कन हटा के गैस बंद करेंगे और ये ढोकला ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ढोकले का तड़का बनाने के लिए 2 टेबलस्पून तेल मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। और फिर इसमें चॉप किया हुआ धनिया डालेंगे। अब गैस बंद करके इसमें 1/2 बोल पानी डालेंगे ताकि तेल हाथ पे उड़े ना। और 1/2 टेबलस्पून चीनी डाल के गैस फिर से चालू करेंगे।
इस तड़के को हम थोड़ा सा मीठा बना रहे हैं ताकि ये ढोकला खट्टा मीठा लगे। इस पानी को उबाल आने के बाद गैस बंद करेंगे। तड़का तो रेडी हो गया, तो चलिए अब ढोकला कट करते हैं। ढोकला कट करने के बाद इस पे ये तड़के का पानी डालेंगे। तड़के में पानी इसीलिए डाला क्योंकि ये ढोकला वो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत ही बढ़िया लगता है।